खम्मा 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 हो कंवरे अजी मालरा, खम्मा 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 हो कंवरे अजी मालरा, थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, हो खम्मा घणी घणी खम्मा राजा राम सा पीर ने, घणी घणी खम्मा राजा राम सा पीर ने। भादरीवारी बीज चाननी अजमल घर अवतार लियो, कुकू पगलिया मांड सावरियो, पालनिया में पौड़ी गयो, दो दो बालक देख पालनिए सगला अचरज भरी लाया, दोये दोये टाबर देख पालनिए मेणा देशं कालाई, ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई, मैयारी शंकाने मेटी दूध उफणी तो दियो उतार, लीला लीला देखी श्याम सुंदरी हिवड़े आयो है अपार, थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, खम्मा घणी घणी खम्मा बाबा राम सा पीर ने, हो घणी घणी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। एक दिन बालक राम देव जी हठ पकड़ी है हद भारी, घोड़लियो मंगवा दे मैया करस्यों में तो असी भारी, मेणा दे जी हुक्म कियो जदी रूपो दर जी आयो पार, कपड़े रो हाँ जी की लाए थोड़ा
नथू मेघवंशी जी। ये जो फरवरी बाबा जी का मेला लगता है, कदों शुरू हो रहा है? ये सर 10-11-12 शुरू हो रहा है, और बाबा जी का ये विशाल वड्डा मेला है। तो रामदेव दूजी धाम हैगी है, तो सारे सेवादारा का सारे पिंड का चंगा सहयोग रहा है, और ये बहुत बढ़िया मतलब कि मेला यहाँ पे लगाया जाएगा, और प्रशासन द्वारा हमें मतलब पूरा सहयोग मिलेगा, और मिलने की आशंका भी है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये मंदिर का पूरा बढ़िया कार्य चल रहा है, और जो सेवादार आएंगे या यात्रीगण आएंगे, कृपया ये ध्यान रखें भी मास्क लगा के रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें, और आप सबके सहयोग से ये बढ़िया काम मतलब चल सकता है। दुकानों की बोली लगती है यहाँ पर, कितने दुकानों की बोली लगी है जी? और ये सर मनियारी बाजार हो गया, और प्रसाद की दुकानें होगी, और दूसरी जो स्टालें लगती है आइसक्रीम या वगैरह ना, वो लगती है, उनकी तकरीबन दुको बोली हो गई है जी, और झूले की भी बोली हो गई है, और बाकी परमिशन मिले या झूले को ना मिले अभी तक उसकी कोई डिसाइड नहीं किया गया, और वो जो होगा दिखा जाएगा ना। कितनी दुकानें लगाई जाएंगी? अप्रोक्सीमेटली सर प्रसाद की दुकानें होती है जी, 25 प्रसाद की दुकानें होती है, और मनियारी बाजार की होती है जी, और मनियारी बाजार की 30 की दुकान मनियारी बाजार की होती है जी, और जलेबियों की दुकान होती है 25-20 जलेबियों की दुकान मेन रोड पर भी होती है, और मेन रोड की इधर भी होती है, और झूले में आपको पता मनोरंजन के लिए सब तो हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी यात्रियों को, और बाकी कोरोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसका ध्यान रखा जाए, मास्क लगाया जाए, तो यही हम मतलब कि अपील करते हैं सभी से भाई, कोरोना वायरस के चलते बढ़िया हो ना काम, तो वो बढ़िया हो जाएगा। मंदिर की तरफ से किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? मंदिर की तरफ से यात्रीगणों को हर एक सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, और मतलब हमारे सेवादार आपके लिए तत्पर 24 घंटे रहेंगे, लंगर की सेवा रहेगी, दूरी बनाई जाएगी, मतलब कि यात्रियों को बार बार अपील अनाउंसमेंट की जाएगी दूरी बना के रखें, और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ पर मास्क भी अवेलेबल कराए जाएंगे, मेडिसिन वगैरह होती है वो भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, और पूरा सहयोग किया जाएगा जी हर के यात्रीगण का। इस बार मंदिर की कमेटी की तरफ से किस तरह का यहाँ पे सजावट की जाएगी? वो तो जी सभी के सहयोग से होता है ना जनाब, तो मंदिर कमेटी भी बढ़िया योगदान दे रही है, और सारे गांव वाले बाजार के हमारे हो गए तो सभी योगदान बहुत बढ़िया दे रहे हैं ना, तो मंदिर का कार्य आप देख रहे हो बहुत बढ़िया चल रहा है, CCTV कैमरे सारे फुटेज मंदिर की कवरेज करेंगे, और हमारे जो आर्मी लाइफ के रूपेश बांसल जी हैं वो हमें उनसे उम्मीद है अभी इसको लाइव चलाया जाएगी इस मेले को, और LED चलाई जाएगी, प्रोजेक्टर भी लगाया जाएगा, हमारी उम्मीद तो बहुत बड़ी बड़ी है इस मेले को लेके, और बाकी प्रशासन को लेके थोड़ी है, देखते हैं जैसा भी होगा, बहुत बढ़िया मेले को योगदान सभी सेवादारों के योगदान से बढ़िया करेंगे काम, अच्छा करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे आम जनता जो आएगी मेले में? सर हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो यात्रीगण आएंगे, पहली बात तो दूरी बना के रखें, और बाबा जी हर एक मनोकामना सबकी पूरी करते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात ये रामदेव राज दूसरी धाम, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये दूसरी धाम है, और बड़े बड़े पर्चे हुए यहाँ पे, तो संदेश यही है कि यहाँ पे दूरी बना के रखें, और मिल बांट के यहाँ पे चले, और मिल बांट के खाएं, तो ये है ना अपील रहेगी, सभी आए और बाबा जी का ना आशीर्वाद प्राप्त करें, और प्रसाद और लंगर प्रोवाइड करवाया जाएगा जी, धन्यवाद। मंदिर है पिंड बनवाला अनवत्ता, 10 तरीक नूं मेला स्टार्ट है जी, इत्थे सेवा दे लगे हैं बाबे दे, काम चलदे नूं हो गया हफ्ता 10 दिन। तुसीं किस तरह सेवा कर रहे हो? सेवा यही है बाबे दी, कलर करता पेंट करता, बस होर आपां सेवा की देनी है। कदों लग रहा है मेला? मेला लग रहा है जी 10 तरीक नूं स्टार्ट है, 11-12 10-11-12 नूं मेला। अर्जन राम जी, कदों लग रहा है बाबे दा मेला? जी मेला जी 10 तरीक तो चालू है जी, 9, 10, 11, 12 तरीक का मेला बड़े धूमधाम नाल लगता है जी, आए साल दी साल मास्क ला के आओ, लंगर पानी इत्थे आके आओ, खाओ, सब कुछ तैयार होंदा है जी, दुकाना रेत चीजियां लगदियां, चूल्हा चाला सब कुछ लगता है, बाबा रामदेव का मेला 3 दिन बहुत भारी रश हुंदा है, आपदे रेत चीज संभाल के भी रखो, बाबे जी दे दर्शन भी करो। मंदिर च किस तरह तैयारी चल रही है? है जी तैयारियां किस तरह चल रही है मंदिर च? तैयारियां सब कुछ तैयारियां चल रही है, रंग रुंग दिया जी, सब कुछ रंग रुंग दिया, उत्ते भी रंग हो गया, सब कुछ हो गया है, सब कुछ तैयारियां होंदी है, आए साल दी साल लंगर लुंगर दिया सब चीज दिया तैयारियां होंदी है,
यात्री सिर्फ मत्था मत्था टेकना आना पैंदा जी। बस आपदा यात्री ने ध्यान रख के रखना पैंदा है क्यों मास्क लगा के आओ आप जी बाबा जी के दर्शन करो। तीन दिन मेला लगता है जी। बोलो बाबा रामदेव महाराज संगतां कितों कितों आंदियां ने? संगतां जी बहुत दूर दूर दी आंदियां जी। संगतां इधरों अमृतसर फिरोजपुर चिकर आंदियां इधर चंडीगढ़ चिकर आंदियां जी। बहुत दूर दूर दी आंदियां संगतां। अज दा नहीं मेला 250 साल पुराना मेला लगता है जी। आए साल भी साल लगता है जी।